अंबावला छावनी पक्का सराय में किराए पर रह रही 25 वर्षीय मंजू ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मंजू ने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। इस दौरान उसका पति बाहर सो रहा था। घर में पति और पत्नी ही रहते थे। बता दें कि मंजू की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। मंजू बिहार से अपने पति के साथ अंबाला आई थी। घटना की जानकारी देते हुए पड़ोसी ने बताया कि मंजू को कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा, वो घर में ही रहती थी। पड़ोस के लोगों ने ही मंजू को कमरे में लटके हुए देखा और उसके पति को सूचना दी। यहाँ का प्रधान हूँ, पक्की सुनाए का बाढ़ समाज का। ये बार सवेरे पता लगा ना हमारे को बहू को, ये ऊपर गई ना लेटरिन बाथरूम करने, जिस टाइम इसने देखा कि बाहर लटकी पड़ी है एक लेडीज, जब इसने किराएदार को उठाया, बाहर से कुंडा लगा हुआ किराएदार का, वो किराएदार बाहर कुंडा लगा के बहू ने फिर फांसी लगा रखी। फिर जब इसको उठाया लड़के को, जब उसने रस्सी काटी है उसका गले का फंदा। सर ये कितने टाइम से किराए पर रहते हैं? ये इसको तो काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया। बहू को लाए अभी 5-6 महीने हो गया। बहू अभी आई है शादी करके, से 7 महीने हो गए शादी, दिवाली पे आई थी। दिवाली के बाद यहीं रह रही है बहू, तो कभी गली में भी नहीं देखी यहाँ पे किसी ने, पड़ोसी में पड़ोसियों ने भी नहीं देखी, ऊपर ही रहती थी। ये तंदूर की रोटियाँ लगाता बस स्टैंड पे। कितनी उम्र थी इनकी? देख लो 25-30 साल तो है इसकी, बहू की तो 23 साल की उम्र है। वहीं इस मामले की जांच कर रहे एसएचओ ने बताया कि 24 वर्षीय मंजू ने अपने घर में फांसी लगा ली है। मंजू बिहार की रहने वाली है और कुछ महीने पहले ही अंबाला आई थी। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है और ना ही कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है। ये मंजू कुमारी नाम की लड़की है जो सुरजीत कुमार के साथ इसकी शादी हुई थी। ये बिहार के रहने वाले हैं, 7-8 महीने पहले यहाँ आई थी। रात को इसने सुसाइड करना बयान हुआ है। अभी इसकी 174 की कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर बुलाए हैं, डॉक्टर जांच करके अभी निकले हैं, अभी 174 की कार्रवाई करेंगे। सर इसके बाद कुछ मिला है? नहीं, अभी हमें कुछ सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र करीब 23-24 साल। तो ये यहाँ पर कितने को टाइम से रह रहे थे? यहाँ 7-8 महीने से ये लड़की रह रही है, लड़का करीब 1.5 साल से बताया। तो कितने जने रह रहे थे इस घर के अंदर? ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया गया है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।